करके अपने लिए एक हिस्सा मांग सकते थे। अब तक तो ऐसे ही होता था, मान साहब चाहते मामले को दबा सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद ब खुद अपने मंत्री के खिलाफ एक्शन लिया। भगवंत, हमें आपके ऊपर गर्व है, पूरे पंजाब को आपके ऊपर गर्व है, पूरे देश को आपके ऊपर गर्व है। 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, तब मैंने भी अपने फूड मिनिस्टर के खिलाफ ऐसे ही एक्शन लिया था। उसके भ्रष्टाचार के सबूत मेरे पास आए थे, तब भी किसी को नहीं पता था, मैंने खुद ब खुद उसके खिलाफ एक्शन लिया था। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। कट्टर ईमानदार मतलब अगर हमारा अपना भी कोई चोरी करेगा, उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे बख्शेंगे नहीं। अभी तक देखा गया कि सारी पार्टियों में आपस में सेटिंग होती थी, अपनों को पकड़ना तो दूर, ये एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ भी एक्शन नहीं करते थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी अपने खुद के लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक्शन ले रही है। मान साहब के इस डिसीशन से लोग बहुत खुश हैं, बहुत बहुत खुश हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि कोई सरकार इतनी ईमानदार भी हो सकती है क्या। कई लोगों की आंखों में खुशी के आंसू हैं और विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे, कैसे इसका विरोध करे। तो विपक्ष कह रहा है, देखो देखो, सरकार बनने के 2 महीने में इनके लोगों ने भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। ये सारी पार्टियां भ्रष्टाचार करती हैं, पहले दिन से ये लोगों को लूटना चालू कर देते हैं, रोज लूटते हैं, पर दुनिया के इतिहास में ये पहली बार, पहली सरकार है जो पता लगते ही सख्त से सख्त एक्शन लेती है, चाहे गुनाह करने वाला अपना ही क्यों ना हो। करप्शन देश के साथ गद्दारी है, भारत माता के साथ गद्दारी है। कुछ भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन भारत माता के साथ गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गर्दन कट जाएगी, लेकिन देश के साथ गद्दारी कबूल नहीं है। ना गद्दारी करेंगे, ना किसी को करने देंगे। बचपन से घर में मां बाप ने ईमानदारी के संस्कार दिए हैं। ये जो हमने किया है, ये करने के लिए बहुत बहुत हिम्मत चाहिए, और ये हिम्मत हमें भगवान से मिलती है, ऊपर वाले से मिलती है। आज पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है जो कट्टर ईमानदार सरकार दे सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि पार्टी और सरकार चलाने के लिए देखो जी, थोड़ी तो करप्शन करनी पड़ती है, थोड़ी तो गड़बड़ करनी पड़ती है। आम आदमी पार्टी ने साबित कर दिया कि पार्टी और सरकार बिना भ्रष्टाचार के ईमानदारी से भी चल सकती है। भारतीय राजनीति बहुत खराब हो गई है, बहुत बहुत दूषित हो गई है। भारतीय राजनीति में आम आदमी पार्टी एक नई शुरुआत है, ईमानदारी और देशभक्ति की शुरुआत, एक सुनहरा भारत बनाने की शुरुआत। भारत माता की जय। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को साफ तौर पर आप सुन रहे थे, हमें भगवंत मान पर गर्व है केजरीवाल कहते हुए नजर आए। जिस तरह से पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ रिश्वतखोरी मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बर्खास्त कर दिया है, इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके चलते सीएम केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आपने देख लिया, आम आदमी पार्टी किसी भी दोषी को जो भ्रष्टाखोरी में लिप्त होगा, भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो सरकार का मेंबर हो या फिर घर का मेंबर हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी उच्चाधिकारी पार्टी है, वो किसी को नहीं बख्शेगी और यहां पर जो है भ्रष्टाखोरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री मामले पर साफ तौर पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए, उन्होंने कहा कि हमें भगवंत मान पर गर्व है। जिस तरह से उन्होंने कड़ा एक्शन लिया, हमें उस पर गर्व है। उन्होंने पंजाब के सीएम भगवंत मान की सराहना की और जमकर तारीफ भी की, जिस तरह से पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कड़ा एक्शन लिया स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ, जिसके चलते उन्होंने साफ तौर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और
उन्होंने कहा कि हमें भगवंत मान पर गर्व है, साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आए। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बयान दिया और उन्होंने कहा कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री मामले पर वो साफ तौर पर बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि हमें भगवंत मान पर गर्व है। जिस तरह से उन्होंने कड़ा एक्शन लिया, मान चाहते तो मामले को दबा भी सकते थे, साफ तौर पर सीएम केजरीवाल कह रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भगवंत मान ने तत्काल प्रभाव से जो है स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त किया, इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिसके चलते दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का यह बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना, जिस तरह से पंजाब के सीएम भगवंत मान ने स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त कर दिया, इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री को गिरफ्तार भी कर लिया गया। स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। स्पर्श, जिस तरह से भगवंत मान ने स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त किया उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया, उसी के चलते दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमें भगवंत मान पर गर्व है, सटीक फैसला उन्होंने लिया है, क्या कुछ अपडेट? देखिए बिल्कुल, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने भगवंत मान सरकार की तारीफ की और उन्होंने कहा है कि भगवंत मान सरकार जो है पूरी तरीके से ईमानदार है, अगर और कोई सरकार होती तो इस मामले को दबाया भी जा सकता था, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से ईमानदार है, इसीलिए जो मामला है वो निकलकर सामने आया और जो मंत्री है उनको भी बर्खास्त किया गया। हालांकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जो है इसको लेकर जरूर जो है आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है कि मंत्री पद हटाने से केवल काम चल जाएगा क्या, या फिर जो व्यक्ति इस पूरे मामले में लिप्त है उसको पार्टी से भी निकाला जाना चाहिए। अभी तक पार्टी से निकाले जाने को लेकर आम आदमी पार्टी का स्टैंड जो है निकलकर सामने नहीं आया तो, लेकिन अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो पूरी तरीके से पंजाब सरकार की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पंजाब में वो ईमानदार है और स्पष्ट रूप से जो काम है वो करती जा रही है, जनता को जो है पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार पर यकीन है और विपक्ष पता नहीं क्यों इस मामले को लेकर जो है अपना माहौल बनाने की जो बातें हैं वो करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन लेकिन जो बड़ा सवाल है कि विजय सिंगला जो है उनको पार्टी से क्या जो आम आदमी पार्टी है वो निकालती हुई नजर आएगी या नहीं आएगी या फिर किस तरीके से आगे इस मैटर पर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, लेकिन स्पष्ट है अगर देखा जाए तो केजरीवाल बातों ही बातों में जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी की जमकर तारीफ की, भगवंत मान की सराहना की, ऐसे में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो शब्दों ही शब्दों में विपक्षी पार्टियों पर कटाक्ष कर दिया। देखिए कोई भी नेता होता है वो अपनी पार्टी की तारीफ करता ही है और उसमें हम ये देख ही रहे हैं कि पंजाब में जिस तरीके से नई ये सरकार बनती हुई नजर आई है अभी कुछ ही समय हुआ और इस तरीके का मामला अगर वहां पर निकलकर सामने आ रहा है तो ये सरकार के जो कार्यप्रणाली होती है उस पर सवाल निशान भी खड़े करते हुए नजर आता है। कई बड़े वादे पंजाब में आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले किए थे, ऐसे में निश्चित तौर पर अपनी सरकार की तारीफ अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, लेकिन ये मामला क्यों ऐसा निकलकर सामने आया? जब तमाम विधायक बनकर सामने आए थे तो कहे था कि ये समझ लोग जो है ईमानदार है कहीं ना कहीं, लेकिन अब जिस तरीके से मामला खुलता हुआ नजर आया है तो कहीं ना कहीं सवाल निशान वो आम आदमी पार्टी पर भी खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जरूर ये जो है समय रहते आज ये पूरा मामला है उसको पकड़ा, मंत्री को बर्खास्त किया, लेकिन वो अभी भी आम आदमी पार्टी में जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये स्पष्ट आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से ये पूरा मामला संज्ञान में आया और तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई की गई और मामले ने ज्यादा तूल नहीं पकड़ा, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो बड़ी तो हैं लेकिन इतनी नहीं बढ़ी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्पष्ट हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे, आप सुन रहे थे साफ तौर पर अरविंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पंजाब के जो सीएम है भगवंत मान, जिस तरह से उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ जो भ्रष्टाचार में जो लिप्त वो पाए गए थे, जिसके चलते जो कार्रवाई की गई और बर्खास्त भी किया गया, ऐसे में साफ तौर पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो साफ तौर पर सीएम केजरीवाल ये भी कह रहे थे कि हमें भगवंत मान पर गर्व है और हमारी पार्टी जो है सच्चाई के पथ पर चल रही है और सच्चाई के पथ पर ही चलती रहेगी, कोई भी अन्याय पार्टी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी तरह की जो गैर
जिम्मेदारियां या फिर जो भ्रष्टाचार जैसी अगर कोई भी चीजें सामने आती हैं उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, साफ तौर पर सीएम केजरीवाल कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये पार्टी की बात तो दूर, अगर घर का भी कोई मेंबर इसमें अगर लिप्त होता है तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। साफ तौर पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ये बात बोल रहे थे और ऐसे में उन्होंने जमकर पंजाब सरकार की सराहना की, सीएम भगवंत मान की जमकर तारीफ की और उन्होंने कहा कि समय रहते सीएम भगवंत मान ने बहुत अच्छा और सटीक फैसला किया, बहुत अच्छा निर्णय किया। जिस तरह से विजय सिंगला जो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री थे, भ्रष्टाचार का जिस तरह से उन पर आरोप लगा जिसके चलते जो कार्रवाई की गई, बर्खास्त किया गया, गिरफ्तारी उनकी हुई और उसी को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।